नमस्कार, मैं दिव्या धरादर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की हत्या के साजिश का बड़ा खुलासा बिहार पुलिस ने किया है। उनकी हत्या के साजिश को लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें आरोपी नित्यानंद राय को महाशिवरात्रि के दिन गोली मारने की बात कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी शख्स कह रहा है कि वह पिछले 3 साल से नित्यानंद राय को गोली मारने का सपना देख रहा है, अब इसे साकार करेगा। आरोपी कह रहा है कि वह नित्यानंद राय की हत्या की सुपारी ले लेता हूं, उसे 2 गोली दाग दूंगा। बीते दिनों जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार की खोज हुई थी। इसको लेकर अब पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट आतंकी संगठन ने सरकार को धमकी दी है। इसमें कहा गया है कि लिथियम निकालने के लिए केवल अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का स्वागत है, अगर किसी भारतीय कंपनी ने इसमें हाथ डाला तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सिंगापुर से भारत लौट आए हैं। अभी वो दिल्ली में अपनी बेटी मिसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सिंगापुर से लौटने के बाद दिल्ली में तेजस्वी और राबड़ी देवी ने लालू यादव से मुलाकात की है। लालू यादव के समर्थक और बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता राजद सुप्रीमो के बिहार आने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल लालू यादव पटना नहीं आ रहे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राजद सुप्रीमो से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी है। राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंशों को हटाने को लेकर विपक्षी नेता लगातार आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी पर भी हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरे शब्दों को रिकॉर्ड पर जाने दिया जाएगा। देश के पीएम सीधे तौर पर मेरा अपमान करते हैं, लेकिन उनकी बातों को ऑफ द रिकॉर्ड नहीं किया जाता। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र करते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने कहा है कि आपका नाम गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं, ऐसा बोलकर उन्होंने मेरा अपमान किया, लेकिन मेरे अपमान से सच नहीं छिपेगा, एक ना एक दिन आपको जवाब देना ही पड़ेगा। भाकपा माले की केंद्रीय कमेटी की बैठक सोमवार को राज्य मुख्यालय के राम चंद्र शेखर स्मृति भवन में हुई। इसमें महाधिवेशन और रैली की तैयारियों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक को माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने संबोधित किया। महाधिवेशन में भाजपा आरएसएस के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक एजेंडा तय होगा और मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता से हटाने को लेकर साझा रणनीति भी बनेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी मुआवजा मिलने में देरी को लेकर राज्यों की शिकायत पर संसद में बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री ने कारण बता दिया है कि क्यों कुछ राज्यों को जीएसटी का पैसा नहीं मिल पा रहा है। वित्त मंत्री ने इसके पीछे का कारण बताने के साथ राज्यों को नसीहत भी दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जीएसटी मुआवजे में देरी के लिए केंद्रों को दोष देने के बजाय राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महालेखाकार के एजी विवरण समय पर भेजे जाएं। ये जीएसटी का पैसा मिलने के लिए जरूरी है। बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी और आईजी विकास वैभव के केस में नया मोड़ आ गया है। डीजी शोभा आहोतकर पर गंभीर आरोप लगाए गए। आईजी फायर सर्विसेज व होमगार्ड विकास वैभव ने बिहार सरकार को इस पूरे मामले में सोमवार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपना और अपने परिवार की जान को खतरा बताया है। साथ ही कहा है कि डीजी शोभा आहोतकर के अधीन कार्यालय से उनका ट्रांसफर किया जाए या फिर उनकी छुट्टी स्वीकार की जाए। भारत ने पिछले 5 साल में अपने मित्र देश रूस से $1,300 करोड़ के हथियार खरीदे। रूसी केंद्रीय सैन्य तकनीकी सेवा सहयोग के प्रमुख दमित्री सुगायेव ने कहा है कि भारत पर अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश अभूतपूर्व दबाव डाल रहे थे, लेकिन वह हमारा मुख्य साझेदार बना रहा। वहीं एक साल पहले यूक्रेन में शुरू हुए विशेष सैन्य ऑपरेशन के विरोध में पश्चिमी देशों ने उस पर हथियारों समेत कई पाबंदियां लगाई, लेकिन भारत के लिए रूस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बना रहा। गया शहर में रविवार को आयोजित बीपीएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। मामले में +2 हरिदास सेमिनरी में बनाए गए परीक्षा केंद्र के अंदर से पकड़ाए फर्जी जैमर कर्मी पंचम लाल को सोमवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया। बेंगलुरु में 5 दिवसीय एरो इंडिया शो चल रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले एरो इंडिया बेंगलुरु के लहांका एयरफोर्स स्टेशन पर हो रहा है। ये पूरा इलाका 35,000 वर्ग मीटर में फैला है। शो में 98 देशों 100 से ज्यादा डिफेंस कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 700 से ज्यादा कंपनियां भारत की हैं। एरो शो में जेट पैक सूट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अडानी विवाद की जेपीसी जांच की मांग कर रहे एकजुट विपक्षी दलों के तेवर बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन भी हमलावर ही रहे। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के निशाने पर रहे तो धनखड़ ने भी हंगामा कर विपक्षी सांसदों को खरी खोटी सुनाई। सरकार ने विपक्ष दलों को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि वह सदन में विशेषाधिकारों का उल्लंघन कर सदन को बार बार बाधित कर रहा है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पर आयकर विभाग के छापे की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीबीसी के दफ्तर को सील कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। बीबीसी के लंदन हेडक्वार्टर को भी छापे की जानकारी दे दी गई है। बता दें कि दिल्ली के साथ ही बीबीसी के मुंबई स्थित दफ्तर पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है।
कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और राम जन्मभूमि मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के दबाव में दिया गया था। उन्होंने साथ ही कहा कि जजों को सरकारी जॉब देना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का क्रिप्टो करेंसी पर लंबे समय बाद बड़ा बयान आया है। उन्होंने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा कि क्रिप्टो भारत में काफी हद तक अनियमित है, चाहे वह माइनिंग हो या चाहे वह एक संपत्ति हो या चाहे वह लेन देन हो। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि यह एक तकनीकी द्वारा संचालित है, इसे नियमित और विनियमित करने में एक देश का प्रयास प्रभावी नहीं होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के बजट में 2023 के लिए $30.54 मिलियन का वार्षिक योगदान दिया, यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने दी है। महासचिव एंटोनियो गुटारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को कहा कि भारत उन 43 देशों में शामिल है जिन्होंने अब तक बजट में अपने हिस्से का भुगतान किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता केनरा बैंक ने विभिन्न कार्ड प्रकारों पर अपने डेबिट कार्ड सेवा शुल्क में वृद्धि की है। बैंक के आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार नए सेवा शुल्क 13 फरवरी 2023 से प्रभावी हो गए हैं। बैंक ने वार्षिक शुल्क कार्ड के रिप्लेसमेंट डेबिट कार्ड निष्क्रियता शुल्क और SMS अलर्ट के शुल्क पर सेवा शुल्क बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में बिना लाइसेंस के हथियार रखने और इस्तेमाल करने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। पीठ ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत में किसी को भी हथियार रखने की अनुमति नहीं है जब तक कि अधिकृत ना हो। अमेरिकी वायुसेना खतरनाक लड़ाकू विमान F-35 ने सोमवार को भारतीय सरजमीं पर लैंडिंग की है। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में F-35 लाइटनिंग 2 और F-35A ने लैंडिंग की। लॉकहीड मार्टिन के इन विमानों की गिनती दुनिया में सबसे घातक लड़ाकू विमानों में होती है। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीते दिनों विपक्ष ने अडानी मामले में भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। इस मामले में पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक साक्षात्कार में पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने कहा है कि इस पर किसी तरह का बयान देना सही नहीं होगा क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मगर इतना जरूर कहा है कि इसमें भाजपा के लिए छिपाने जैसी कोई बात नहीं है और ना ही पार्टी को डरने की जरूरत है। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग अडानी विवाद को लेकर पहली बार अमित शाह ने बयान दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी NBFC के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। RBI की तरफ से बताया गया है कि पुणे स्थित कुडोस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और मुंबई स्थित क्रेडिट गेट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। दोनों NBFC लोन देने के मामले में नियामकीय चूक में शामिल थे। एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे बीच जगह बनाई हुई कि अगर नोटबंदी के बाद चालू हुए नए नोटों पर अगर कुछ लिखा गया है तो वह नोट नहीं चलेगा। हालांकि बैंक नोट पर कुछ भी लिखने से वह अमान्य नहीं हो जाता है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक लोगों से अपेक्षा करता है कि वे मुद्रा नोटों पर कुछ भी ना लिखे क्योंकि इससे नोट खराब लगेंगे और साथ ही इससे नोटों की लाइफ भी कम हो जाएगी। भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक द्वारा एक ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना शुरू की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक सैंडबॉक्स कार्यक्रम के तहत HDFC बैंक ने क्रंच फीस के साथ साझेदारी में ऑफलाइन समाधान पेश किया है। इस समाधान का उपयोग करके पेमेंट भेजने और प्राप्त करने के लिए ग्राहकों और व्यवसायों के लिए मोबाइल नेटवर्क के उपयोग की आवश्यकता नहीं है। HDFC बैंक इस तरह का समाधान शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। झारखंड राज्य के कम से कम 36 मजदूर पिछले 2 महीने से मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान में फंसे हुए और उन्होंने राज्य सरकार से अपनी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया है। अधिकारियों के संज्ञान में मामले को लाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने बताया कि फंसे हुए मजदूर सोशल मीडिया के जरिए अपने परिवार से संवाद कर रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि कंपनी पारेषण लाइन बिछाने के लिए उन्हें ले गई थी और उनका पासपोर्ट रख लिया है। उन्होंने बताया कि मजदूरों का आरोप है कि उन्हें खराब खाना दिया जा रहा है और उनके पास रुपये बिल्कुल भी नहीं है। पिछले कुछ सालों में देश में UPI ट्रांजैक्शन की संख्या में तेजी देखी गई है। वित्त साल 2021-22 में रजिस्टर्ड UPI ट्रांजैक्शन 45 अरब थे जो पिछले 3 सालों में 8 गुना बढ़ोतरी और पिछले 4 सालों में 50 गुना इजाफे को दिखाता है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव करार ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न में लिखित उत्तर में कहा है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चालू वित्त साल के लिए रुपए डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम UPI ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। देश भर में कम से कम 695 यूनिवर्सिटीज और 34,000 कॉलेज ऐसे हैं जो बिना नेशनल असेसमेंट एंड एजुकेशन काउंसिल यानी NAC के मान्यता के मिले बिना ही चल रहे हैं। संसद में इसकी जानकारी दी गई है। ये डेटा केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में साझा किया। NAC का काम देश में मौजूद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का मूल्यांकन करना और उन्हें सर्टिफाई करना है। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि छात्रों को बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके।
अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मास्को पहुंच चुके हैं। वहां अफगानिस्तान को लेकर 9 देशों के एनएसए की बैठक में शामिल हुए। बाद में उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अलग से बैठक हुई। आधिकारिक तौर पर यह बैठक द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को लेकर थी। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते अपने शेयरों में आई गिरावट के बाद अडानी ग्रुप निवेशकों का भरोसा जीतने की कोशिश में जुटा है। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च के दावों को खारिज करने के लिए अपनी कुछ कंपनियों के स्वतंत्र ऑडिट के लिए अकाउंटेंसी फर्म ग्रांट थॉर्नटन को नियुक्त किया है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने अपने बचाव के लिए पहली बड़ी कोशिश की है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के शेयर इस कदर टूटे हैं और कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50% से अधिक घट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी 16 फरवरी को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सरकार जनजातीय मास्टर शिल्प और महिलाओं को सीधे बाजार तक पहुंच उपलब्ध करवाने के मकसद से इस आदि महोत्सव का आयोजन कर रही है, जहां 16 से 27 फरवरी तक 28 राज्यों के 500 कलाकार भाग लेंगे। 13 राज्यों के आदिवासी रसोइये मिलेट्स में जायके का तड़का लगाएंगे। दाल बाटी चूरमा भेल रागी हलवा मरुए की रोटी बाजरा रोटी रागी बड़ा मांडिया सूपी कोदो की खीर कबाब रोगन जोश कश्मीरी रायता खास होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को करनाल पहुंचे और आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया किया है, अब सरकार वामपंथी उग्रवाद का सफाया करेगी। नशे के खिलाफ हमारी सरकार बड़ी लड़ाई लड़ेगी, इसके लिए आईपीसी और सीआरपीसी कानूनों में बदलाव किया जाएगा। पुलवामा हमले की बरसी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा किए गए ट्वीट की भाषा पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह जी शहीद वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं जैसे वह श्रद्धांजलि देने में भी तंज कस रहे हो। ऐसा लगता है कि ISI का चीफ ट्वीट कर रहा हो। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है ललन कुमार राम, अनवर करीम खान, एमडी साकिर हुसैन, महमूद अंसारी, नुन्नू गोलू कुमार, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, दीपक कुमार और अंशुप्रिया। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कॉलेजों के शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।